आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास एम फॉल्स ऑन ए स्प्रिंग फ्रॉम ए हाइट एच, दिख ही रहा है ये ब्लॉक है एम मास का, एच हाइट से गिर रहा है, स्प्रिंग के ऊपर गिरा, ब्लॉक गिरा स्प्रिंग पे, स्प्रिंग दब गई, यही होना है। लिखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का के, तो मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स बताना है स्प्रिंग में, स्प्रिंग कितना दबेगी, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा वो आपको बताना है, एक्स बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स बताना है। सॉरी, एक्स बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन, सॉरी सॉरी अगेन, मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स बताना। पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ये कि एक ब्लॉक है, ये गिर रहा है और फिर ये गिर के गिरते स्प्रिंग के टच में आया और स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगा, मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। तो इसमें देखिए तीन चीजें हैं, नंबर वन एनर्जी का क्या हो रहा होगा, ब्लॉक जो गिर रहा होगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, पहले उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी के गेन के इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर जब वो स्प्रिंग के साथ टच में आएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी, स्प्रिंग दबेगी तो अपने कंप्रेशन को अपोज करने के लिए फोर्स लगाएगी जिससे ब्लॉक रुकने लगेगा, रिटार्ड होने लगेगा। तो होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी गई काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों घटने लगेंगी, स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी और स्प्रिंग कंप्रेस होते होते जब ब्लॉक को रोक देगी, ब्लॉक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, दबते 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 ब्लॉक रुक गया, फिर वो बाउंस करेगा ऐसे, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तभी तो आएगा। और यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा जब ये ब्लॉक चलते चलते रुक जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करते करते रेस्ट पे आ जाएगा, भले वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट हो। तो अगर ब्लॉक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ गया तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगी। तो इतने तक हुआ क्या, ये जो ब्लॉक था ये कितना डिस्टेंस गिरा, एच तो पहले ही गिर गया था, एच तो यहां तक गिर गया था, फिर एक्स कंप्रेस हुई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से, ये एक्स मैक्स जो मैंने आपको दिखाया है, ये एक्स मैक्स जो है वो स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये थी, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, इस नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस हुआ और एच और गिरा था, एच गिरा फिर एक्स उसने कंप्रेस किया, तो जो ब्लॉक टोटल गिरा वो एच प्लस एक्स गिरा, ब्लॉक जो टोटल एच प्लस एक्स गिरा, ब्लॉक जो टोटल एच प्लस एक्स गिरा। तो अगर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कुछ भी लगा लो, जो पसंद हो, मैं दोनों लगा के बताता हूं, क्योंकि अभी मैं पिछले क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम की बहुत बढ़ाई कर रहा था और तब तो लगाने का मौका मिला नहीं था, तो अभी मुझे मौका मिल रहा है, मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बताऊंगा और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी बताऊंगा, यहां करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां करूंगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों से करूंगा। ठीक, पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो, अगर किसी सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो या हो भी तो उनका वर्णन जीरो, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इफ इन ए सिस्टम वर्कडन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो, इफ इन ए सिस्टम वर्कडन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इफ इन ए सिस्टम वर्कडन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो, द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। क्या इस सिस्टम पे कोई फ्रिक्शन विक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाएंगे। क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कितनी काइनेटिक थी पहले जब ब्लॉक रेस्ट में था? जीरो। पोटेंशियल थी? बिल्कुल थी। अब पोटेंशियल कहां से देखो, रेफरेंस लगाना पड़ता है। तो अगर मैं मान लूं कि जब ये ब्लॉक रेस्ट पे आ गया है, यहां से आया दबाया स्प्रिंग को, जब रेस्ट में आ गया तो जीरो लेवल है, तो जीरो लेवल से ऊपर कितना था? एच प्लस एक्स था, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? एम जी एच प्लस एक्स, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल कितनी थी? जीरो। मैकेनिकल, काइनेटिक, दोनों पोटेंशियल
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल सब लिया है, ये होगी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। आया ब्लॉक स्प्रिंग के टच में आया, स्प्रिंग को दबाते दबाते मैक्सिमम कंप्रेशन, ब्लॉक रुक गया, वहां पे ब्लॉक की काइनेटिक जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो क्योंकि रेफरेंस ही उसी को माना था, इलास्टिक पोटेंशियल ना जीरो ना, स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गई है नेचुरल लेंथ से, कितनी एच प्लस एक्स एच की एक्स, एच प्लस एक्स एच की एक्स एक्स, तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग चाहे कंप्रेस हो चाहे स्ट्रेच हो, स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, एक्सटेंशन में भी कंप्रेशन में भी। स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भैया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हो गए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी क्या हो रहा है, ब्लॉक के पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थी वो धीरे धीरे, क्योंकि ब्लॉक तो पहले भी रेस्ट में है और स्प्रिंग के मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी रेस्ट में है, तो एनर्जी का कन्वर्जन कुछ ऐसा हो रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से इलास्टिक पोटेंशियल, एम जी एच प्लस एक्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, हाफ के एक्स स्क्वायर इलास्टिक पोटेंशियल है। तो ये सब जीरो जीरो हटा दो तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आंसर तुमको मिल चुका है, इकलौती इक्वेशन जो सही है एम जी एच एम जी एक्स एम जी एच माइनस एक्स फोर्थ, एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, करेक्ट आंसर तो हमको मिल गया है। बट मिला है हमको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, और मैं अभी इतनी तारीफ कर रहा था वर्क एनर्जी थ्योरम से, हर क्वेश्चन लग जाता है तो भैया लगाओ ना वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कब लगता है, हमेशा लगता है, हर फ्रेम में लगता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो तब भी वहीं लगेगी जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो, बट वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगती है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा हमेशा लगती है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, टोटल वर्क डन इस ब्लॉक पे एम पे कितने लोगों ने वर्क किया, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया नीचे आने में, नीचे आने में वर्क डन प्लस एमजीएच होता है, फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, पॉजिटिव वर्क, कितना वर्क पॉजिटिव MGH plus X, टोटल टोटल जो चला इस पूरे रास्ते में H ऊपर फिर X नीचे, MGH MGH plus X का वर्क हुआ पॉजिटिव। स्प्रिंग स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, अच्छा हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्प्रिंग पे वर्क की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग जब कंप्रेस हो रही होगी तो फोर्स ऊपर लगा रही होगी, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट होते हैं तो वर्क डन निगेटिव होता है, तो स्प्रिंग पे वर्क डन होगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ब्लॉक पे वर्क डन आ गया, स्प्रिंग पे वर्क डन आ गया पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, टोटल वर्क डन, और तो कोई है नहीं भाई, ब्लॉक पे दो ही फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स और कोई है नहीं, टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई ब्लॉक तो फाइनली भी रेस्ट में आ जा रहा है तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, और इनिशियल तो रेस्ट में था ही, रेस्ट से गिनना स्टार्ट किया था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इस हाफ के एक्स स्क्वायर को डाल लियो तो वही तो इक्वेशन बन जाएगी, एमजीएच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वही फोर्थ आंसर आ जाएगा। तो मैंने सेम क्वेश्चन ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कराया और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी कराया, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बता दो, कोई दिक्कत है अभी तक किसी को, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, कमेंट मैंने चेक कर लिए, आगे बढ़ते हैं।